अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम सैयद मुइज़ुद्दीन है और आज की इस वीडियो में हम फास्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो, दो तरह के बेनिफिट्स होते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि रोज़ा रखना जब हम शुरू करते हैं तो उसके कुछ ही दिनों बाद हमें हासिल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दूसरे जो बेनिफिट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं, वो फ़ौरन तो हासिल नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो टाइम के साथ साथ आने वाली ज़िंदगी में वो बेनिफिट्स भी हमें हासिल होते हैं और वो देर तक हमारी ज़िंदगी में साथ। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे तो उसमें जो सबसे पहला बेनिफिट होता है रोज़ा रखने का, वो ये होता है कि बॉडी कंफर्ट जोन से बाहर आती है। अब कंफर्ट जोन क्या चीज़ है? देखो, कोई भी एक ही काम को कंटिन्यूसली अगर करता है, बहुत देर तक करता है, तो एक टाइम आता है वो उस काम को करते करते बोर हो जाता है, उसका दिल नहीं चाहता फिर उस काम को करने का। फिर वो उस काम को स्विच करके कोई दूसरा नया काम शुरू करता है तो उसमें उसको अच्छा फील होता है और उसमें मज़ा भी उसको आता है। ये ऐसे ही है कि आप बहुत दिनों तक दाल चावल खाओ, फिर जब दाल चावल कंटिन्यूसली खाओगे, उनको खा के बोर हो जाओगे, तो फिर उसकी जगह सिंगर बर्गर ट्राई करोगे तो मज़ा तो आएगा ना, तो मज़ा भी आएगा और उनमें पानी भी आएगा। तो ये ऐसे ही है, अगर इसको इसी चीज़ को हम बॉडी के साथ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बॉडी जब एक ही रूटीन को पूरा साल फॉलो करती है और बोर हो जाती है, फिर एक मंथ के लिए उसको एक नया रूटीन फॉलो करने के लिए मिलता है, तो बॉडी को एक शॉक मिलता है। और ये जो शॉक का मिलना है, इसी की वजह से बॉडी इतने ज़्यादा बेनिफिट्स को अडॉप्ट करती है। फिर जो हमें बेनिफिट्स मिलना शुरू होते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। देखो, बॉडी के अंदर स्टमक है, इंटेस्टाइन है, मेदे और आंतों के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और डाइजेस्टिव जूसेस हैं, तो फास्टिंग के दौरान जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ नहीं जाता तो क्या होता है, उनकी जो सिक्रीशन है, उन एंजाइम्स की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती है तो उसके बाद हम जो कुछ फूड खाते हैं, फूड का जो ब्रेकडाउन है, फूड की जो एसिमिलेशन है, फूड को ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के सेल्स तक जो पहुंचाने का काम है वो बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्ट्रांग हो जाता है। ये हमें इसके साथ बेनिफिट हासिल होता है। फिर इसके साथ और आगे चलते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, देखो मेटाबॉलिज्म बॉडी में एक इंजन है जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर उसी एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करके अपने रूटीन के कामों में फिर उसको यूज़ करते हैं। तो उस इंजन की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, बेटर हो जाती है। उसी के साथ हमारी भूख बढ़ जाती है, हमारा जो हंगर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी जब हमारी भूख बढ़ रही है तो हम खाना खाएंगे, जब हम खाना खाएंगे वो हमारी बॉडी को लगे। यानी देखो, जब आप ऑयली फूड खाते हो, जब आप और फिर ओवर ईटिंग करते हो, यानी बॉडी की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा खाते हो, तो देखो क्या होता है, स्टमक उस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो वो उस एक्स्ट्रा फूड को जो बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा बॉडी के अंदर गया है उसको क्या करता है, बॉडी हीट के थ्रू फेस पर एक्ने की फॉर्म में या बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर एक्ने की फॉर्म में, रैशेज़ की फॉर्म में निकाल देता है और फिर उसके अंदर जलन होती है। तो जब फास्टिंग में फूड नहीं जाता बॉडी के अंदर, बॉडी को रिलैक्स मिलता है, बॉडी हीट कम होती है, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी एक्ने के अंदर और ब्रेकआउट्स के अंदर भी एक अच्छी मिकदार के अंदर जो है कमी आती है और साथ साथ हमारी स्किन का ग्लो बढ़ता है। फास्टिंग जो है स्किन की जितनी डिजीज़ हैं उससे लड़ने में मदद करती है बॉडी की। फिर इसी के साथ जब हमारे ब्रेकआउट्स कम हो रहे हैं, स्किन का ग्लो बढ़ रहा है, तो बॉडी के अंदर जो शुगर के और सोडियम के लेवल्स हैं वो कम होते हैं। देखो, सोडियम और शुगर के लेवल करते क्या हैं, बहुत से लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके आईज सूजी हुई हैं, उनके जो एल्बो के जॉइंट्स हैं उसके अराउंड उनको स्वाइलिंग फील होती है, उनके जो नीज़ के अराउंड है, नीज़ के अराउंड भी उनको स्वाइलिंग फील हो रही होती है, यानी सूजन। तो जब बॉडी में चीनी की और नमक की मिकदार बढ़ जाती है तो किडनी का काम क्या होता है, वाटर को फ्लश आउट करना बॉडी से यूरिन के थ्रू। तो जब वो मिकदार बढ़ जाएगी सोडियम की और शुगर की तो किडनी पानी होल्ड करना शुरू हो जाती है, और जब किडनी पानी होल्ड करती है ना
बॉडी के दूसरे दूसरे पार्ट्स पर वो पानी बाहर निकल के आता है स्वाइलिंग की फॉर्म में। तो जब फास्टिंग में हमारी बॉडी में सोडियम नहीं जाता, शुगर नहीं जाती, उनके लेवल बैलेंस होते हैं, खुद ब खुद उस स्वाइलिंग के अंदर कमी आती है। जो वाटर वेट हमारी बॉडी में स्टोर हुआ हुआ है उसके अंदर एक खातिर ख्वा जो है उसके अंदर कमी आती है। फिर उसी के साथ साथ जब हमें एक तरफ इस तरह के फ़ायदे हासिल हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन का लेवल है वो बैलेंस होता है। जो इंसुलिन का लेवल है, यानी देखो इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जो शुगर के लेवल को बैलेंस करता है। और जब यही ऑर्गन ख़राब हो जाता है तो फिर क्या चीज़ होती है, जो बॉडी के अंदर जितने शुगर के लेवल हैं वो कभी शुगर शूट कर रही है, कभी शुगर जो है डाउन हो रही है, लो हो रही है, और फिर शुगर के पेशेंट्स के लिए ये चीज़ जो है उनके लिए वबाले जान बन जाती है। तो रोज़ा एक तरीके से ढाल है शुगर के मरीज़ों के लिए, कि उनके लिए रोज़ा रहमत बनता है, क्योंकि बॉडी में जब इंसुलिन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो शुगर के जितने लेवल हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ एक फ़ायदा बहुत ही बहुत बेहतरीन किस्म का फ़ायदा, और वो है तोप फ़ायदा। मतलब तोप चीज़ होती है, बेहतरीन भाई लाइन लगी हुई है बेनिफिट्स की फास्टिंग के अंदर। देखो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट स्टोर हुआ है, एक्स्ट्रा चर्बी स्टोर हुई हुई है, तो जब हम फास्टिंग करते हैं बॉडी को एनर्जी तो चाहिए एक्टिविटी के दौरान, तो फूड जा नहीं रहा बॉडी में, एनर्जी मिल नहीं रही, लेकिन बॉडी क्या करती है, जो फैट के सेल्स हैं एक्स्ट्रा फैट स्टोर हुआ है बॉडी में उसको यूटिलाइज़ करना शुरू कर देती है। और जब उन फैट सेल्स को यूटिलाइज़ करना शुरू करती है तो जो एक्स्ट्रा वेट है बॉडी के अंदर उसके कम होने की स्पीड जो है डबल हो जाती है, यानी ट्वाइस, यानी डबल हो जाएगी, और फिर वो वेट ज़्यादा तेज़ी से कम होगा, वाटर वेट भी कम होगा और जो एक्स्ट्रा चर्बी स्टोर हुई है वो भी कम होगा। जिन लोगों को ज़्यादा गर्मी लगने की प्रॉब्लम होती है उसका मेजर रीज़न भी उनकी एक्स्ट्रा चर्बी है बॉडी में, वो देखो वो एक्स्ट्रा फैट घुलता है, ज़्यादा पसीने आते हैं और इसकी वजह से फिर हमें ज़्यादा गर्मी फील होती है, या फिर बाहर निकल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लोथ्स को रिमूव करके कम से कम कपड़ों में रहने की कोशिश करते हैं। तो वो फिर यही चीज़ है कि आपको ज़्यादा गर्मी फील होगी और ये चीज़ आपके लिए आपको अच्छा नहीं है, आपके रूटीन के काम तक इससे मुतासर होते हैं। तो फास्टिंग के थ्रू आपकी इस चीज़ के अंदर भी कमी आती है। देखो टन्स ऑफ बेनिफिट्स हैं फास्टिंग के, यहाँ पे मैंने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए, मज़ीद आप लोगों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के ऊपर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के ऊपर डिटेल के अंदर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।